लाखों रुपए लौटाने वाले प्रोफेसर के खाते में हजार रुपए भी नहीं। क्लास में छात्र न होना तो एक बहाना था, असली मकसद तो कुछ और ही है। कॉलेज में छात्र नहीं आते हैं, ट्रांसफर करो कहने वाले प्रोफेसर ने लिया यू टर्न। अब कह रहे हैं भावनाओं में बह गया था, माफ कर दीजिए। पैसा लौटाने की माफी मांगने वाले प्रोफेसर के बारे में आपको तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन आपको उससे पहले यह जानना चाहिए कि आखिर इस प्रोफेसर का पूरा पोल पट्टी खुला कैसे, इस प्रोफेसर की आखिर मंशा है क्या, क्या सच में यह पढ़ाने के लिए अपना पैसा लौटाना चाह रहा था या दिमाग में चल रहा था कुछ और। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे इस प्रोफेसर की पूरी सच्चाई। दरअसल प्रोफेसर साहब बिहार के उस दुखती नस पर हाथ रख दिए थे जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हर बीमारी का पता चल जाता। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार मीडिया में लिखा जाने लगा और इसमें प्रोफेसर साहब के द्वारा पैसे लौटाने की घटना को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया जाने लगा। हर कोई यह कह रहा था कि बड़ा बहादुर प्रोफेसर है, बच्चों को पढ़ाया नहीं तो पैसा लौटा रहा है, साथ ही वैसे स्कूल में पढ़ाने की मांग कर रहा है जहां पर वह बच्चों को पढ़ा सके। प्रोफेसर साहब ने यह भी कहा था कि मेरी शिक्षा व्यर्थ जा रही है, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूं। लेकिन ढोल का पोल तब खुल गया जब इनका अकाउंट चेक किया गया, उनके खाते में 1000 रुपया भी नहीं था और चले थे लाखों रुपया लौटाने। उसके बाद से शक के दायरे में आ गए और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। प्रोफेसर साहब ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। अपने माफीनामे में उन्होंने कहा कि मैं कुछ निर्णय लेने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहा था, इसलिए मैं काफ़ी दुखी था, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया। भावावेश में मैंने ट्रांसफर आवेदन के साथ अपनी पूरी वेतन राशि का चेक प्रस्तुत किया। तुरंत बाद मैं कुछ वरिष्ठ लोगों और सहकर्मियों के साथ चर्चा करने के बाद यह समझ में आ गई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की व्यवस्था के अनुरूप ही आचरण अपेक्षित है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि भविष्य में कोई भी भावावेशपूर्ण कदम न उठाया जाए। इस संदर्भ में जो भी लिखित तथा मौखिक वक्तव्य मेरे द्वारा जारी किए गए हैं उन सब को मैं वापस लेता हूं। आपको बता दें कि प्रोफेसर ललन कुमार नितिश्वर महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं, वो यहां पर हिंदी पढ़ाते हैं, वे अपने आप को गांधी के अनुयायी मानते हैं। मीडिया में जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि वे अपने आप को एक बड़े कॉलेज में ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे। इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय स्तर पर जाँच चल रही है, जाँच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस प्रोफेसर साहब की पूरी सच्चाई क्या थी। क्या वो अपने बच्चों को ना पढ़ाने के एवज में जो पैसे लौटाना चाहते थे उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर वो किसी बड़े कॉलेज में अपने आप को ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे लेकिन लंबे समय से उनका लेटर जो है एक बस्ते में बंद पड़ा था, वो खुल नहीं रहा था ताकि उनका ट्रांसफ़र हो सके, और उसके पीछे की एक पूरी कहानी उन्होंने लिखी थी, यह तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा।